गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मैं सर निकिता पवार फ्रॉम 12th विद्यमान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। और हमको क्या पढ़ना था आज? हमने अभी तक प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया था? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया था। अब जो हमारा चैप्टर आया है, मतलब अब जो हमको करना है वो क्या है? रिविजन एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा चैप्टर 4 के बाद के रिविजन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चले हम तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो हमको प्रैक्टिस सेट में दे रखा है वो क्या दे रखा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस पुटिंग वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी कि हमने जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे ना, हेलो करके हमको सबने अपना अपना इंट्रो दिया था, तो वही हमको यूज़ करके क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, रीराइट करना है इन सेंटेंस को। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले क्या बोलता है वो हेलो बोलता है, देन बोलता है आई एम मयंक। तो इसको हमको इस तरह से अरेंज करना है, हेलो आई एम मयंक। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा सेकेंड, हेलो आई एम सोनल। तो ये हमने इस तरह से इनको लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमको बोला था कि करेक्ट ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, देन वी डिड इट। ठीक, देन वी स्टार्ट दिस। दे रखा है हमको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमको जो ब्लैंक दे रखे हैं हमको उनको फिल करना है। ठीक है, तो वी स्टार्ट करें। पहला लिखा है दिस इज़ माई टेबल। क्या दे रखा है? दिस इज़ माई टेबल, फिल इन द ब्लैंक इज माई टेबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज माई टेबल। देन सेकेंड देखा है दिस इज फिल इन द ब्लैंक काइट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या कह सकता है? कह रहा है ये काइट है, तो किसकी काइट है? मेरी है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? माई आ जाएगा। ओके, देन देखा है फिल इन द ब्लैंक दिस फिल इन द ब्लैंक माई कार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे इज मिसिंग है, इज तो लिखा ही नहीं इन लोगों ने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। देन देखा दिस इज माय फिन द ब्लैंक्स, तो माय क्या हो जाएगी यहाँ पे? कैप, कि दिस इज माय कैप। ठीक है, डन, वी डिड इट। देन नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट भी स्टार्ट करते हैं। हियर दे रखा है मैक्स सेंटेंस, हमको क्या बोला हुआ है यहाँ पर? मैक्स सेंटेंस। ठीक है, आई लाइक दे रखा है हमको फॉलोइंग वर्ड्स दे रखे हैं या ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, हमको यूज़ करके इनको सेंटेंस क्रिएट करना है। देन फर्स्ट दे रखा है आई लाइक, तो ये क्या हो जाएगा? टी। तो ये कैसे बन जाएगा सेंटेंस? आई लाइक टी। सेकेंड वन दे रखा है आई लाइक कॉफ़ी। ठीक है, वही हो जाएगा आई लाइक कॉफ़ी। देन दे रखा है आई लाइक मिल्क, तो हम इसे लिख देंगे आई लाइक मिल्क। देन दे रखा है आई लाइक मैंगो जूस, तो लिख देंगे हम आई लाइक मैंगो जूस। देन देखा आई लाइक क्रिकेट, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि आई लाइक क्रिकेट। ठीक, डन, ये भी हो गया। चलें फिर आगे, जो नेक्स्ट हमको करना है वो हमारा प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आ जाएगा। ठीक है, दे रखा है लुक एट द पिक्चर एंड से। ठीक है, यानी कि हमको आगे कुछ पिक्चर्स दे रखी, वैसे तो इन्होंने एनी फाइव बोला है, हम सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमको ये क्या दे रखा है, क्या दिख रही है ये? बुक। बुक की स्पेलिंग क्या आती है? बी डबल ओ के। ठीक, देन सेकंड क्या देखी है? बॉल। तो बॉल की स्पेलिंग क्या होती है? बी ए डबल एल। डन, देन नेक्स्ट चले, नेक्स्ट दे रखा है हमको कैट। ये क्या है? कैट है। कैट की स्पेलिंग क्या होती है? सी ए टी, कैट। ये कौन है, कौन दिख रही है? डॉल। डॉल की स्पेलिंग क्या होती है? डी ओ डबल एल। ठीक, डन, देन नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या नहीं, ये क्या दिख रही है आपको? क्या ये फ्रॉक है ना, तो लिखे हैं उसकी स्पेलिंग एफ आर ओ सी के, फ्रॉक। देन नेक्स्ट कौन है ये? साइकिल, जैसे इंग्लिश में क्या होते हैं? बाइसिकल। तो क्या हो जाएगा? बी वाई सी वाई सी एल ई। ठीक है, देन नेक्स्ट चले, नेक्स्ट दे रखिए, ये क्या दे रखी है हमको? पेंसिल। तो पेंसिल की स्पेलिंग क्या होती है? पी ए सी आई एल, पेंसिल। देन दे रखा है बैग, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? बी ए जी बैग। सो वी डिड इट, और हमने क्या कर लिया, हमने रिविजन एक्सरसाइज सॉल्व की, उसके बाद हमने क्या कर लिया, प्रैक्टिस सेट जो था हमारा टेस्ट पेपर उसका फर्स्ट पेज सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट जो बाकी रहा है हमारा, जो रिमेनिंग रहा है प्रैक्टिस टेस्ट के, जो बाकी के सॉल्यूशंस हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इतना आपको ये सारी चीज़ें अपनी अपनी बुक्स में फिल कर लेनी है। ठीक, थैंक यू।